हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सोल्टेज गार्डन से आज मिट्टी भर रहे हैं ग्रो बैग में, जो हाथ से ही बनाए हैं। आइए देखिए, ये देखिए, सबसे पहले तो ये मिट्टी है जो मेरे पहले ग्रो बैग में से निकली हुई है, इन लिफाफों में से। और ये लिफाफे कैसे भरने हैं, पहले मैंने इसमें ये पौधों की डंडियां डाल दी, जिससे हमारा बेस बन जाएगा इसका पैकेट का। और फिर उसके बाद हम इसमें देखो क्या क्या डाल रहे हैं। और मिट्टी मेरी बहुत अच्छी है, ये जो निकली हुई है 3-4 महीनों से, जो हमने नीचे ग्रो बैग के डाल रखा था, उसकी ये खाद बन चुकी है। और उसके बाद मैं ये चाय की पत्ती डाल रही हूँ इसमें फ्रेंड, ये देखिए। जिसे मूली के लिए तो हमें भुरभुरी मिट्टी चाहिए, ठीक है। और ये अंडों के छिलके डाल रही हूँ, शायद किसी को देखने में अच्छा ना लग रहा हो, पर इनको पौधों के लिए बहुत अच्छा है ये। और फ्रेंड, ये इतनी मैं रेत डाल रही हूँ इसमें, सैंड, जो ये मिट्टी को भुरभुरा बनाएगी, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि मूली को नीचे जड़ वाली सब्जियों को तो हमें भुरभुरी मिट्टी देनी है, क्योंकि वो अंदर जाने के लिए उसको जगह मिले। अगर हमारी चिकनी मिट्टी होगी तो वो अंदर सर्वाइव नहीं करेगी, और वो उतनी की उतनी रह जाएगी, पत्ते ही पत्ते बढ़ेंगे और नीचे उसकी जड़ नहीं बनेगी। ये देखिए, इतना सैंड डाल दी मैंने, और ये बहुत मिट्टी मेरी बहुत अच्छी है। ये देखिए, ये देखिए, भुरभुरी है मिट्टी। और फिर इसके बाद मैं ये इसमें ये जो है ये मटेरियल जिसमें केले के छिलके